बेटा इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे आपको सिखाना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है कौन सा, तो उसे याद करते हैं बेटा। माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पे आप याद कीजिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए। और इसको सबसे पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि आप वैल्यू निकालिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की। तो सबसे पहले आपको ए मालूम है, ए है 6, आपको बी भी मालूम है, बी है माइनस 19। फिर आपसे सी पूछ रहे हैं, सी बोलेंगे आप 15 है। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, आप बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस 19 का स्क्वायर। आपने 19 का स्क्वायर निकाला, 19 स्क्वायर निकालने के बाद आप लिखेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 6। फिर आप लिखेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 15। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 15। तो बारी आती है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को मालूम है 361। फिर बारी आती है 15 सिक्स 90, 94 ज़ा वैल्यू आती है 360। तो एक बार और हम चेक करते हैं कि वैल्यू क्या थी, ए बी सी की वैल्यू मैंने रखा के लिखी, 361 में 360 गया 1। तो वैल्यू आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है 1। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस बी, माइनस बी, सो माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, माइनस 19 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन वैल्यू आती है 2 ए। 2 ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, आप बोलेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज 6। सो क्वेश्चन आता है माइनस 19 है, माइनस 19 को आप लिख सकती हैं प्लस 19। फिर आता है प्लस माइनस रूट 1 को आप लिखते हैं 1 अपॉन में कितना है 6 टू 12। सो यहाँ पे 19 प्लस माइनस 1 है, सो एक बार लिखते हैं 19 प्लस 1 अपॉन 12, एक बार 19 माइनस 1 अपॉन 12। सो 19 प्लस 1 20 अपॉन 12, सो 19 माइनस 1 18 अपॉन 12। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो वैल्यू निकल के आई 5 अपॉन 3। ऐसे यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, सो वैल्यू निकल के आई 3 अपॉन 2। सो फंक्शन इज़ 5 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 2।